अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। लेट्स कंप्लीट आवर डर्मेटोलॉजी टुडे। आप लोगों का हाफ लेक्चर हो गया था ना, सेकंड भी। आई थिंक सी सेक्शन का नहीं हुआ था। सर आपने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया LMS पे? नहीं बेटा, अभी तक कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया। आई विल स्टार्ट अपलोडिंग दिस वीक इंशाल्लाह। ओके सर। ओके, सो ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर्स, हम लोगों ने अभी तक स्किन कैंसर्स किए थे, मेलानोमा वगैरह। वी वर टू डू ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर्स। सो ऑटोइम्यून के बारे में आपको बेसिक समझ तो ऑब्वियसली होगी। What is an autoimmune disease? कौन बताएगा भाई, autoimmune disease क्या होता है? सर ये वो diseases होती हैं जिनमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करता है। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज हो सकती हैं, मतलब जो आपका सिस्टम वाज डिजाइन टू डिफेंड यू अगेंस्ट द डिफरेंट फॉरेन बॉडीज और एंटीजेंस, वो गलत रिकग्नाइज कर लेता है आपकी अपनी बॉडी के एंटीजेंस को, समझता है कि दे आर फॉरेन एंटीजेंस। तो जब वो ये समझता है तो फिर इट स्टार्ट्स अटैकिंग, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स अटैकिंग दैट्स नोन एज ऑटोइम्यून डिजीज। सो ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर्स में जो स्किन डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं बुलस स्किन डिसऑर्डर्स। एंड एज द नेम इंडिकेट्स, बुलस का मतलब ये है कि वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन करवाएंगे। और ब्लिस्टर एक ऐसा फ्लूइड फिल्ड एक्यूमुलेशन होती है जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में होती है। नॉर्मली जो ब्लिस्टर्स बनते हैं वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीजंस की वजह से भी बन सकते हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से बन सकते हैं, ड्रग रिएक्शन की वजह से बन सकते हैं, और इम्यून बेस्ड उनका रीजनिंग भी हो सकती है। और जो बुलस स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो ऑटो इम्यून या इम्यून रिलेटेड होते हैं, इम्यून सिस्टम रिलेटेड होते हैं। तो होता क्या है बुलस स्किन डिसऑर्डर्स में बेटा, आपको हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा है जो दो सेल्स के बीच में, खासतौर पे एपिथीलियम वाली जो हिस्टोलॉजी है उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो सेल्स के आपस में लिंक होता है या जिसे गैप जंक्शंस कहते हैं, हैव यू रेड अबाउट इट? यू नो व्हाट tight junctions, gap junctions, etc. The cells ek dusre ke sath jude hote hain. Those are known as tight junctions. There are different ways that those cells are linked with each other. Theek hai? Aur wo cells ke beech mein jo connection hota hai, un connections mein se ek connection banta hai desmosomes ke through. Theek hai? So jo epidermis ke cells hain और उसमें जो केराटिनोसाइट्स हैं, जो केराटिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम्स। ठीक है, इनकी वजह से उनके आपस में एक एक जब ये जो लिंक बनता है विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टिंग माइक्रो क्या उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्स, उनकी वजह से जो स्किन बैरियर होता है वो स्ट्रेंथन होता है, या उसकी स्ट्रेंथ जो है, मतलब जो स्किन की स्ट्रेंथ या स्किन के सेल्स की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर ऑल दोज ऑल सेल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, और वो जो है उनमें से एक टाइप ऑफ कनेक्शन इज डेस्मोसोम्स सेल्स के बीच में। बट इस इलनेस में इस डेस्मोसोम पर अटैक होता है, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। अच्छा, इस एपिडर्मिस के नीचे अगर आप स्किन को उठा के देखें, स्किन के बारे में हिस्टोलॉजिकली देखें,
एपिडर्मिस के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन होता है, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल आपस में मिल रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कॉलेजन या प्रोटीन ऐसी होती है जो बेसिकली एपिडर्मिस के सेल्स को डर्मिस के साथ एंकर कर रही होती है, ठीक है। सो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन है, और वहाँ पे अटैक होता है बेसिकली बाय द ऑटो एंटीबॉडीज, और वहाँ पे जाके ब्लिस्टर बन रहे होते हैं। सो एक कंसेप्चुअल डायग्राम अगर आपको दिखाई जाए, सो दीज आर द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, और ये एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट टू अवर विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम, और भी कनेक्टिंग वो होते हैं मैकेनिज्म्स, गैप जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, डेस्मोसोम्स आर वन, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों एपिडर्मल सेल्स हैं, ये ऊपर वाले सेल्स हैं, ये नीचे वाले सेल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो छोटा सा एक एरिया आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, दैट एरिया इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे पर डर्मिस है। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ कनेक्टिंग द एपिडर्मिस टू द डर्मिस, ठीक है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो एंटीजन होते हैं उनके ऊपर अटैक होता है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन वाले लेवल पे बुलस या बुलस फॉर्मेशन होती है, या ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो इस ऑटोइम्यून डिजीज में जिस चीज पे अटैक होता है बेसिकली, वो डेस्मोसोम्स के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है विच इज़ नोन एज डेस्मोजिन, उसके खिलाफ उसको बॉडी जो है ना वो समझती है कि ये कोई फॉरेन एंटीजन है, बॉडी उसको अटैक करना शुरू करती है। बॉडी अगर डेस्मोजिन को अटैक करेगी तो क्या होगा, कैन एनीवन प्रेडिक्ट क्या होगा? बेटा क्या कर रहे हैं डेस्मोसोम्स? क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रेंथ कर रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दे रहे हैं, स्किन को एक इंटैक्ट रख रहे हैं। अगर स्किन के ऊपर के सेल्स इंटैक्ट नहीं रहेंगे तो स्किन आसानी से एक तरह से शेड ऑफ हो जाएगी, गिर जाएगी। अच्छा, हल्का सा प्रेशर डालोगे तो वो गई। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन दीज डिसऑर्डर्स। सो इनके अंदर मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होते हैं, पेम्फिगस, पेम्फिगॉइड, dermatitis epiriforms, and then dermatosis of childhood, जिसमें immunoglobulin A के disorders होते हैं। Pemphigus, the word pemphigus comes from I think Greek or Latin, जिसका मतलब होता है pustules, ठीक है। तो pustules जैसे लग रहे होते हैं, bullus, एक बुल्ला या blister बना होता है, तो उसकी वजह से इनके मुख्तलिफ नाम है pemphigus। Pemphigus के आगे types होती हैं, pemphigus vulgaris, pemphigus vulgaris के आगे और types हैं, but the main thing is कि इस तरह से नाम शुरू होते हैं। Dermatitis herpetiforms is a kind of skin disorder which is an autoimmune disorder, but it is not primarily a skin disorder। ये एक और illness की manifestation है जो skin में नज़र आती है। अगर आपने celiac disease का नाम सुनाओ, it is an autoimmune disease of the digestive system। उसमें gluten के साथ allergy होती है, मतलब जो आप wheat खाते हैं, यानी कि जो रोटियां छोटियां खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको बॉडी जो है उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करती, और वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसमें जब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है, उसमें साथ में स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है, उस सीलिएक डिजीज की मैनिफेस्टेशन होती है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स फॉर्मिस, ठीक है। सो ये जो है उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, होता क्या है, नज़र क्या आता है आपको? स्किन और माउथ के ब्लिस्टर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले माउथ में लेयर्स बनना शुरू होती है, और माउथ अल्सर्स वंस इन अ वाइल कुछ लोगों के बन जाते हैं, बट दे गो अवे इन अ वीक और सो। लेकिन इसके जो माउथ अल्सर्स होते हैं, दे प्रसिस्ट फॉर मंथ्स, फिर उसके बाद जो अल्सर्स होते हैं या लेयर्स होती हैं वो बाकी बॉडी पे आना शुरू होती है, ट्रंक पे, स्कैल्प पे, सर पे और फ्लेक्चर्स पे। और इसका तरीका, मतलब डायग्नोसिस का तरीका या क्लिनिकल साइन जिसे कहेंगे, तो सिम्टम हो गया। साइन क्या होता है? अगर आपने नॉर्मल स्किन पे हल्का सा प्रेशर डाला तो स्किन वहाँ से उखड़ जाएगी और एक रोयन बन जाएगी। इसको पॉजिटिव निकोल्सकी साइन कहते हैं। मतलब इफ़ यू रिमेंबर कि हुआ क्या था,
डेस्मोसोम के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन के खिलाफ ऑटोएंटीबॉडी बनी थी, उसने उसको अटैक करना शुरू किया। तो अब फिर आप हल्का सा प्रेशर डालोगे स्किन के ऊपर तो वहाँ पे एक हल्की सी इरोनियन या वुंड नजर आएगा, ठीक है, हल्के से प्रेशर से। उसको कहते हैं निकोल्स की साइन, पॉजिटिव निकोल्स की साइन। तो डायग्नोसिस कैसे करना है आपने? जी बेटा, सर इंटॉलरेंस तो उसके साथ इम्यून सिस्टम के साथ होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होती है ना, और एलर्जीज इम्यून सिस्टम के साथ। बेटा जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जब आप इसके डिटेल में जाओगी, एक बीमारी पूरी बॉडी इकट्ठी जुड़ी हुई है। एक बीमारी का इफेक्ट जो है वो सिर्फ वहां तक नहीं रहता कि एक सिस्टम में हो रही है और सिर्फ अलग उसी सिस्टम में हो रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोविड है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि वो सिर्फ लंग्स के अंदर जा रहा है, मतलब हमें ये आइडिया है कि वो लंग्स के अंदर जा रहा है, लंग्स के अंदर तो वो सबसे ज्यादा जाके उधर मचा रहा है, ठीक है, लेकिन इट इज अफेक्टिंग एवरीथिंग। इट इज अफेक्टिंग स्मेल, इट इज अफेक्टिंग टेस्ट, इट इज कॉजिंग स्ट्रोक इन सम पीपल, इट इज ऑल्सो कॉजिंग हार्ट अटैक इन अदर्स, इट्स कॉजिंग क्लॉट्स। वो क्लॉट जहाँ जहाँ जाएगा वो मसले कर सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि बॉडी के एक सिस्टम में एक मसला होता है। तो आपको बेसिक कॉज बताई है मैंने कि शुरू कहाँ से होता है। एलर्जी जो होती है वो ग्लूटेन के अगेंस्ट होती है, ग्लूटेन नहीं बंदा खा सकता, मतलब वीट प्रोडक्ट्स वगैरह, लेकिन इन्वॉल्व स्किन भी हो जाती है एवेंचुअली उसके अंदर। अच्छा, डायग्नोज कैसे करेंगे? क्लिनिकल इवेल्यूएशन। क्लिनिकल इवेल्यूएशन का बेसिक मतलब ये होता है कि आप पेशेंट की साइंस, सिम्टम्स और हिस्ट्री वगैरह देख के और उसकी फिजिकल एग्जाम करके देखते हैं कि अच्छा इसके ये मसले हैं, तो वो क्लिनिकल इवेल्यूएशन होती है, ठीक है, उसी से पता चल जाता है। फिर अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप हिस्टोपैथोलॉजी का एग्जाम करके देखो, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी वगैरह से, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब छोटा सा स्किन का हिस्सा लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। फिर एक और एग्जाम टेक्निक होती है, उसे कहते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंट एग्जामिनेशन। इम्यूनोफ्लोरेसेंट एग्जामिनेशन में आप एक डाई डाल के देखते हैं हल्का सा, वो डाई जो है वो कलर जो है वो फ्लोरेसेंट डाई होता है, मतलब वो माइक्रोस्कोप के नीचे जाके उसका एक स्पेशल कलर नज़र आता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से आप देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, आसानी से नहीं किया जाता इसको। सो आपने स्किन की बायोप्सी करनी होती है, ठीक है, जो लियन के इर्द की स्किन होती है, और उसको आप ले जाते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए, मतलब उसके अंदर इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई वाले प्रोडक्ट के अंदर या सब्सटेंस के अंदर या मीडिया के अंदर आप लेके जाते हैं और उसे देखते हैं जब माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस तरह का कलर होता है कि वो एंटीबॉडीज को एक स्पेशल कलर दे देता है, तो आपको वो स्पेशल कलर नज़र आना शुरू हो जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो आप फिर डायग्नोज कर लेते हैं, अच्छा ये वाली एंटीबॉडीज के अंदर हैं जो डेस्मोसोम के खिलाफ हैं, तो इट सीम्स लाइक इट इज अ बुलस स्किन डिसऑर्डर। अगर आप पिक्चर देखें तो ये पेम्फिगस वेलगैरिस की एक टाइप होती है, पेम्फिगस वेजिटेंस, और एक्जिला के अंदर आपको नज़र आ रही है ये कुछ ब्लिस्टर्स आपको साफ नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली पेम्फिगस वेजिटेंस होती है उस वक्त जब उस जगह पे जहाँ पे दो स्किन फोल्ड हो, जहाँ पे मतलब एक स्किन का हिस्सा दूसरी स्किन के हिस्से के साथ फ्रिक्शन कॉज कर सकता हो, तो ये उस एक उसकी टाइप है। अगेन पेम्फिगस वेजिटेंस की और टाइप्स नज़र आ रही हैं, जहाँ जहाँ स्किन आपस में फ्रिक्शन कर सके, रब कर सके। ये बुलस पेम्फिगॉइड की टाइप है, डर्मेटाइटिस रेपिडिफॉर्मिस की रैश इस तरह का होता है, और ये कुछ बुलस चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं। सो दिस वाज अबाउट द बुलस स्किन डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में पहला टाइप। मतलब हमने बेसिक बात की है, हमने ज़्यादा डिटेल में हर डिसऑर्डर को अलग अलग जाके नहीं देखा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है सारा में, लेकिन दैट्स इनफ for you at this level. फिर उसके बाद we have SLE, which is systemic lupus erythematosus. ये क्या होता है? It is a multi-system disease. Again, एक सिस्टम में नहीं। अक्सर जो एलर्जी वाले डिजीज होते हैं, ये autoimmune डिजीज होते हैं, उनका शुरू में नज़र एक एरिया पे आ रहा होता है इम्पैक्ट, लेकिन वो इवेंचुअली पूरे बॉडी को, पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो बड़े बड़े डिसऑर्डर होते हैं। सो SLE is such an disorder. और इसके अंदर इम्यून सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज जो हैं वो
स्किन को इफेक्ट करती हैं, जॉइंट्स को इफेक्ट करती हैं, सीरस मेम्ब्रेन्स को इवन इफेक्ट करती हैं, रीनल सिस्टम को, हेमेटोलॉजिक सिस्टम को, ब्लड को और नर्व्स को, न्यूरोलॉजिक सिस्टम को, सबको इम्पैक्ट करना शुरू कर देती हैं स्लोली स्लोली. बहुत ज़्यादा इसके कॉजेज होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं, एनवायरमेंटल भी होते हैं, इम्यून रीजंस भी होती हैं और हार्मोनल रीजंस भी होती हैं. सो जब SLE को आप स्किन पे देखते हैं तो फेस पे इस तरह का बटरफ्लाई शेप रैश नज़र आता है. ये क्लासिक SLE की जो है वो एक सिम्टम है. मतलब अगर आपको बाकी सारा कुछ नहीं भी पता और किसी के फेस पे इस तरह का आपको रैश नज़र आ रहा है तो फौरन आपके दिमाग जाना चाहिए कि इसको SLE तो नहीं है, बाकी सारे टेस्ट करा के देखो. ठीक है, इट्स जस्ट इसके बारे में इतना ही बताना काफ़ी है. एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अगेन कॉन्टैक्ट मतलब एक्सपोजर हो किसी चीज़ से, इवन मंथ से मंथ हो, तो उसकी वजह से अगर रैश होना शुरू हो जाए. इसको टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स कहते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज. टाइप 4 इज द वन जिसमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है और साफ पता चल रहा होता है कि यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हुआ है वहाँ वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही होती है. और अगर बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए तो उसके अंदर आप स्टीरॉयड यूज़ करते हैं और पैच टेस्टिंग, जहाँ हो रहा है इन्फ्लेमेशन उस पैच को टेस्ट करके देखते हैं तो उससे डायग्नोज हो जाता है फाइनल. सो दिस लुक्स लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की एग्जाम्पल. जिस चीज़ से कॉन्टैक्ट किया है, जो एलर्जिक चीज़ है, वो आपको साफ बता रही है कि दिस इज द एरिया वेयर देयर इज कॉन्टैक्ट विद इट, वहाँ वहाँ डर्मेटाइटिस हो रहा है. एक और एग्जाम्पल होती है सिबोरिक डर्मेटाइटिस की. सिबोरिक डर्मेटाइटिस, सिबोरिक का मतलब होता है कि सिबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन का प्रॉब्लम है. तो ये फेस के ऊपर, एक्सिला, अपर चेस्ट और स्कैल्प के ऊपर अक्सर ये नज़र आती है. फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एलर्जी. ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज अ काइंड ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस और इसके अंदर इचिंग सबसे ज़्यादा होती है. और एटोपिक बैकग्राउंड, एटोपिक बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी है. एटोपी इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. ठीक है, तो उसको स्किन में भी वो पहुंच जाती है एलर्जी. ठीक है, सो दैट इज एटोपिक डर्मेटाइटिस. इसके बाद जो चीज़ हमने थोड़ी सी देखनी है, दैट इज थर्मल इंजरी. थर्मल इंजरी में वी हैव बर्न्स एंड इलेक्ट्रिक इंजरीज. बर्न्स की तीन डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, that is generally involving only epidermis. ठीक है, हल्की सी पेन होती है और रेडनेस होती है, कोई ब्लिस्टर वगैरह नहीं बनते, खुद ब खुद ठीक हो जाता है बगैर स्कारिंग के, और बाकी बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता ब्लड प्रेशर वगैरह के ऊपर. और एक एग्जाम्पल फर्स्ट डिग्री बर्न की, बर्निंग वाय द हेल्प ऑफ सन. ठीक है, सन बर्न जो होता है. जो सेकेंड डिग्री बर्न होता है, दैट इज डीप पार्शल थिकनेस बर्न, उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों आ जाती हैं और जो स्किन होती है वो थोड़ी गीली गीली नज़र आना शुरू हो जाती है और ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जो अंदर सेंसर्स होते हैं, जो डर्मिस के अंदर पेन रिसेप्टर्स हैं या टच रिसेप्टर्स हैं, वो ठीक रहते हैं. ये डीप पार्शल थिकनेस बर्न है, लेकिन देर आर ब्लिस्टर्स एंड स्किन थोड़ी सी इतनी डैमेज हो जाती है कि फ़ौरन स्पॉन्टेनियसली हील नहीं करेगी, थोड़ी आपको उस पर चीज़ें लगानी पड़ेंगी. मैं बताता हूँ क्या चीज़ें. फिर थर्ड डिग्री बर्न तकरीबन सारी की सारी लेयर्स इन्वॉल्व करते हैं स्किन की, और उसके अंदर मुख्तलिफ कलर हो जाते हैं, वाइट भी हो सकता है, रेडिश, ब्राउनिश, डिपेंडिंग कि कितना ज़्यादा बर्न है. और जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और इट इज़ पेनलेस बिकॉज रिसेप्टर्स डैमेज हो चुके होते हैं और ये हील नहीं करता. And it's the worst form of burn. मतलब इतना बुरा burn जो होता है उसके बाद इंसान का बचना easy नहीं होता. And it depends कि कितनी percent body burn हो चुकी हुई है. अच्छा, जब trauma या कोई भी injury हो तो आपने क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपने burning जो हो रही है उसको बंद करो, आग लगानी, और फिर उसके बाद तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं किसी भी major accident के अंदर, airway, breathing and circulation. कि सांस का रास्ता जो है फ्रॉम द नोज टिल द लंग्स वो ठीक है कि नहीं, ब्रीदिंग सही तरह से कर रहा है या नहीं, रास्ता ठीक है लेकिन ब्रीदिंग कर पा रहा है या नहीं, और सर्कुलेशन मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह कैसा है. और फिर आपने देखनी है कितनी डिग्री है, कितनी डेप्थ है बर्न की, और
कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप स्कोर कर दें कि इतना स्कोर है इसका, आप वो क्राइटेरिया चेक करो, और फिर उसके बाद जो बर्न स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर्स होते हैं, जैसे हमारे लाहौर में जिना हॉस्पिटल में एक पूरा बर्न सेंटर है, वहाँ पे फिर आप उसे भेज दें और फिर जो जो और इंजरीज हुई हैं उनको ट्रीट करें। सो वाउंड केयर के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं आप, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो ऊपर आप लगा सकें स्किन के ऊपर। और भी और तरीके होते हैं बर्न इंजरीज को देखने के लिए। एक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, उसका फ़ायदा ये है कि वो काफ़ी चीज़ें कवर कर लेता है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है बॉडी में। एक सिल्वरडीन या सल्फर सल्फाडाइजीन एक ड्रग होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं थर्मल इंजरीज में, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वाइट ब्लड काउंट ठीक वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है। और भी हैव सल्फामाइलॉन, ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, सबसे ज़्यादा कवर कर लेती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इट इज़ पेनफुल एंड ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा सकती है। अच्छा, और क्या आपने करना है वूंड केयर के अंदर? एक तो एंटीबायोटिक्स लगा दी, उसके बाद आपने अगर फर्स्ट डिग्री है तो उसको क्लीन रखें और हल्का हल्का मॉइस्चराइज करें। सेकेंड डिग्री है तो ब्लिस्टर्स ख़त्म करें, ब्लिस्टर्स साफ़ करवाएँ, उसको साफ रखें, एंटीबायोटिक लगाएं और ड्रेसिंग करते रहें। और अगर स्किन ठीक नहीं होती 3-4 हफ्तों तक, तो एक स्किन का ग्राफ्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, प्लास्टिक सर्जरी वाला काम। फिर उसके बाद थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसके अंदर टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाओ, स्किन ग्राफ्टिंग ज़रूर चाहिए होगी क्योंकि वो नॉर्मली स्किन ठीक होती नहीं है। और फॉरन ट्रीटमेंट करनी है, अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी है, आपने इंतज़ार नहीं करना और स्लो स्लो ट्रीटमेंट नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सकता है उस वूंड को सही करें, और जितनी जल्दी उस वूंड को आप बंद करेंगे या उस वूंड की आप हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे उसे, उतनी जितने चांसेस होंगे कि पेशेंट जो है वो और बीमार ना हो और बीमारियां उसको ना हो। इसके अलावा स्किन ग्राफ्टिंग स्प्रेड थिकनेस और फुल थिकनेस ग्राफ्ट डिपेंड करता है, एपिडर्मिस खाली चाहिए या कुछ हद तक डर्मिस चाहिए। जितना पत्ता ग्राफ्ट होगा उतना जो है वो चांस होगा कि वो ग्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, और जितना थिक ग्राफ्ट होगा उतना जो है वो कंट्रैक्शन का रिस्क कम होगा। बट देन अगेन ये ट्रीटमेंट की डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स में जाना ज़रूरी नहीं है, बस आप सिर्फ ये याद रखें कि वूंड केयर में स्किन ग्राफ्टिंग करनी होती है, एंटीबायोटिक क्रीम्स लगानी होती हैं और बाकी ये चीज़ें करनी होती हैं। फर्स्ट डिग्री में क्या करना है, सेकेंड डिग्री में क्या करना है, और द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट वुड हेल्प। ठीक है, सो ए बी सी से क्या बनता है ये याद रखिएगा। अगर आप आई डोंट नो इफ यू गाइस आर गोना स्टडी सर्जरी और नॉट, लेकिन ए बी सीज का मतलब हमेशा जब भी कोई एमरजेंसी में आता है, ख़ासतौर पर सर्जरी में बंदा जाता है, सबसे पहले कहते हैं इसके ए बी सी चेक करो। ए बी सी का मतलब क्या होता है, एयर वे देखो, ब्रीदिंग देखो और सर्कुलेशन देखो। फ्लूइड रेसुसिटेशन, फ्लूइड रेसुसिटेशन का मतलब ये है कि अगर पेशेंट का बीपी ड्रॉप कर रहा है तो उसको फ्लूइड दो ताकि उसका बीपी जो है हम मेंटेन कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बीपी मेंटेन करना, और फिर उसके बाद उसको कहाँ रेफर करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, वी आर डन विद आवर डर्मेटोलॉजी। पहले दो लेक्चर्स डर्मेटोलॉजी के थे, इसके बाद हम शुरू करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। द वे आई एम गोना टीच यू द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स इज़ के जो एजिंग वेजिंग की प्रोसेस की नॉर्मल सिंपल बातें हैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। जो हार्ड कोर इलनेस है, जो हार्ड कोर पैथोलॉजी है, जो बीमारी है और जो बीमारी के मैकेनिज्म हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सो गेट रेडी, असल बीमारियाँ तो शुरू ही दिल के मसलों से होती हैं, ये भी असल बीमारियाँ हैं, यू मस्ट नो अबाउट दीज। बट इसमें जैसे इस लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जिनके बारे में तुमको पता होना चाहिए, देयर स्किन कैंसर्स, और स्किन कैंसर्स में ऑब्वियसली मेलानोमा, ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर्स में बुलस स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है, थर्मल इंजरी में बर्न इंजरीज किस तरह की होती हैं, क्या क्या उनकी टाइप्स होती हैं, और
इसमें तो तकरीबन सारों के बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए कि वार्ट्स क्या होते हैं, हाइव्स क्या होते हैं, रिंग वर्म्स क्या होते हैं, बट डिटेल नहीं पता होनी चाहिए। डिटेल उन्हीं के बारे में पता होनी चाहिए जो मैंने अभी दो तीन नाम लिए हैं। ठीक है, सो डर्मेटोलॉजी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऑब्वियसली कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पढ़ें यहाँ पे वो ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन एज डॉक्टर्स आपको कम डील करना पड़ता है। मतलब स्किन की इतनी ज़्यादा इलनेसेस हैं कि आपको भेजना पड़ेगा किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। इट्स नॉट ईजी कि आप सारी स्किन डिसऑर्डर्स आपके पास जहन में हर वक्त हों। मतलब आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन इट वॉन्ट बी लाइक दैट यू वुड बी ट्रीटिंग दैम ईजीली, या यू वुड बी फ्रीक्वेंटली हैविंग पेशेंट्स जो आपसे पूछ रहे हो अच्छा मुझे ये मसला है। पेशेंट को पता होता है, वो जाते ही स्किन स्पेशलिस्ट के पास है। लेकिन जब आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वगैरह पे जाएंगे, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है या इस तरह की जो हार्ट फेलियर है या जो इस तरह की चीज़ें, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, बिकॉज प्रेटी कॉमन, इट्स वेरी वेरी इजीली लाइफ थ्रेटनिंग। स्किन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इजीली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। जैसे अभी सिर्फ हमने थर्ड डिग्री बर्न किया, जिसका जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट बाकी सारी चीज़ें इजीली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते अनलेस अंटिल दे आर कार्सिनोमा। ठीक है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं डर्मा की खास तौर से, दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। बट जो बड़े बड़े इलनेसेज हैं जो क्रॉनिक रहते हैं, जो कॉमन नज़र आते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर के मसले या हाइपर टेंशन हो गई, हार्ट के मसले हो गए, वो जो कॉमन इलनेसेज हैं जो मेजर पॉपुलेशन में नज़र आती हैं आपको, उनके बारे में आपको बहुत 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 अच्छी तरह से बताना चाहिए। ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन दोज इलनेसेस उन लेक्चर्स में जो आने वाले लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स में अगर और चीज़ें हुई तो हम उन पर कम फोकस करेंगे। सो काइंडली परेशान मत होइएगा कि बाकी लेक्चर के ऊपर फोकस नहीं हो रहा। मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दूंगा बाकी चीज़ों का, लेकिन जो मेन इलनेसेस हैं, मैं ये चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आपको मेन इलनेसेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में हो आपके। ठीक है, सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर कुछ स्टूडेंट्स एलएमएस पे एनरोल नहीं है तो प्लीज उनको एनरोल कर दें, और ईमेल पे भी। बेटा मैं वो कर दूंगा, आई हैव अ लॉट ऑफ ईमेल्स मेरे पास जमा हुई हुई है एनरोलमेंट वाली। आई एम वेटिंग कि मैं एक दफा ये एड ड्रॉप खत्म हो जाता तो एक ही दफा सबको शुरू करूंगा एनरोल करना। पर सर कुछ स्टूडेंट्स का पहले सेक्शन ए था और अब उनका बी सेक्शन है, तो हमने पहले स्टार्ट वाली क्लासेस नहीं ली तो उसकी रिकॉर्डिंग्स एलएमएस पे होंगी। उसकी रिकॉर्डिंग, हाँ जी, क्लाउड रिकॉर्डिंग वाले एरिया में आप जाएँ जब जूम वाले लिंक पे, तो वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग मौजूद होती हैं। और आई हैव बीन सीइंग समबडी अपलोडिंग दोज रिकॉर्डिंग्स टू देयर यूट्यूब चैनल, विच इज़ ओके, आई डोंट माइंड इट। बट एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि जो क्लास में बात होती है लेक्चर के अलावा, उसको एटलीस्ट उसमें से ट्रिम ऑफ कर दीजिएगा, बिकॉज हर बात जो लेक्चर की हो रही होती है दैट शुड नॉट गो ऑन यूट्यूब or any other public platform. ठीक है, सर हमारा कोई क्विज वगैरह अभी तो नहीं होगा ना? मई के एंड पे है क्विज, इस महीने के एंड पे होगा। Once we are done with around 8 to 10 lectures, अभी तो दो हुए हैं। I'll pick up the speed. अभी मैं थोड़ी सी स्पीड भी स्लो लेके जा रहा हूँ रमजान की वजह से, but I'll pick up the speed. And then when we are done with 8 to 10 lectures, and we will be done by 8 to 10 lectures by the end of this month, so aapka ek adit quiz ho jayega. Aur phir aapke mids bhi hone hain next month, June mein. So it's going to be a lot like the earlier semesters jab corona, COVID nahi tha. Takriban sara kuch waisa hi hoga. Aur sir, ye lectures kab tak upload ho jayenge? Ye lectures upload hona shuru ho jayenge is week mein. अभी तो दो लेक्चर्स हुए हैं, एटलीस्ट लेक्चर्स पूरे पढ़ा दिए जाएं, दो तीन लेक्चर्स तो हो जाएं, फिर उसके बाद अपलोड होंगे। और सर ये ऑन कैंपस होंगे या ऑनलाइन? क्या चीज़? पेपर्स वगैरह ऑनलाइन ही, अभी तक तो ऑनलाइन है, कोई हाल नहीं है ऑन कैंपस जाने का फिलहाल। ओके सर, हाँ चलें ठीक है। आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि अटेंडेंस हो नहीं रही तो हम जाएं ना, 30-40-50 पार्टिसिपेंट आते हैं आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 80। बेटा जितने भी लोग एंटर होते हैं जूम मीटिंग में, और जितनी देर के लिए एंटर होते हैं, जितने सेकंड्स के लिए एंटर होते हैं, जितनी बार एंटर होते हैं, सारे का सारा रिकॉर्ड होता है जूम के पास और मेरे पास। तो जो
मुतमईन क्रिमिनल्स हैं, वो तैयार हैं, मैं वो पकड़ता हूँ मैं किसी दिन। भाई आ जाया करो, आके करना क्या होता है, तुमने सोना तो होता है। आई एम श्योर कि अभी मैं पूछूं किसी से कि निकोल्स की साइन क्या है तो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई बताएगा निकोल्स की साइन क्या है? पर स्किन पे प्रेस करने से इरोजन हो जाती है। जिसको पता है वो जुई नहीं हो बता दे, बाकियों को भी हाथ खड़ा करने है। ठीक है, नींद पूरी हो गई होगी मेरे ख्याल में, अब 11 बजने वाले हैं, अगले एक आध लेक्चर तक पूरी हो जाएगी। चलो ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।